किसी को एक दिन में 20,000 रुपए का फायदा तो किसी को 75,000, तो किसी को 1.5 लाख रुपए का। जब सबको फायदा ही हो रहा है तो नुकसान किसको हो रहा है, वो भी एक ऐसे खेल में जिसे जीरो सम गेम कहा जाता है, मतलब एक को फायदा तो दूसरे को उतना ही नुकसान। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सेबी की चौंकाने वाली रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो शेयर बाजार में एफएनओ ट्रेडिंग के दबे छुपे सच को बेपर्दा कर देती हैं। तगड़े मुनाफे वाले स्क्रीनशॉट्स के बहकावे में मत आइए, क्योंकि सबसे पहला सच तो यही है कि एफएनओ ट्रेडर्स की लंबी चौड़ी जमात में से 90% लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा गंवाते हैं, यानी यहाँ कामयाबी का सहरा सिर्फ 10% ट्रेडर्स के सिर बनता है। अब जरा एक नजर नुकसान के आंकड़ों पर भी घुमा लीजिए। FY22 में 89% ट्रेडर्स का औसत नुकसान रहा 1,10,000 रुपए। यही आंकड़ा पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 रुपए का था। चलिए अब इस आंकड़े को सही में मुनाफा कमाने वाले ट्रेडर्स के सामने रखते हैं। FY22 में महज 11% ट्रेडर्स ऐसे थे जिनको मुनाफा हुआ, और इनका औसत मुनाफा रहा 1.5 लाख रुपए। हैरान करने वाली बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हर 10 में से 9 ट्रेडर्स नुकसान पर बैठे हैं, बल्कि ये भी कि कोविड के बाद ट्रेडर्स की पूरी फौज खड़ी हो गई है। वर्क फ्रॉम होम और जल्दी पैसा कमाने की चाह ने रातों रात लाखों डीमैट अकाउंट खुलवा दिए। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन दिक्कत तब हुई जब इन डीमैट अकाउंट्स का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ज्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए होने लगा। रिपोर्ट के कुछ और हैरान करने वाले आंकड़ों को बताने से पहले आपको सुनवाते हैं दिग्गज इन्वेस्टर साफिर आनंद के BQ प्राइम हिंदी को दिए इंटरव्यू का वो हिस्सा, जिसमें वो साफ कहते हैं कि मुनाफे के स्क्रीनशॉट्स के जाल में मत फंसिए। ट्रेडिंग में क्या है कि आप दो ऑपोजिट व्यू ले सकते हो। आप एक ही शेयर को या एक ही से निफ्टी है एक जगह खरीद सकते हो और एक जगह बेच सकते हो, तो उनमें से एक तो राइट होगा, और जो राइट होगा उसकी स्क्रीनशॉट डाल के बोल दो जी वाह वाह मैं तो सब कुछ राइट था, मेरा ये स्क्रीन का प्रॉफिट है। रियलिटी में हो सकता है आपको कुछ नहीं कमाया हो, लेकिन क्योंकि आपने ऐसे बार 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 ये दिखाया और लोगों को बोला कि अब आपको मेरा थॉट प्रोसेस अच्छा लगता है तो आप मुझे 5,000 रुपये दीजिए और मैं आपके साथ व्यू शेयर करूंगा। आप ऑपोजिट व्यू भी अगर शेयर करोगे, दो पूल्स में बांट दोगे और 50% लोगों को राइट दोगे, तो 50% बार 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 करके आप पैसा कमा लोगे, और जो बाकी हैं उनको लगेगा कि जी आज नहीं चला तो कल तो चलेगा ही। तरीके से बहुत ही गलत चीज है ये। सेबी की ये रिपोर्ट बताती है कि FY19 के मुकाबले FY22 में FNO ट्रेडर्स की संख्या में 500% की बढ़ोतरी हुई है। जहां FY19 में सिर्फ 7 लाख FNO ट्रेडर्स थे, वहीं FY22 में इनकी संख्या बढ़कर करीब 45 लाख हो गई है। एक और सवाल जो आपके मन में हो सकता है वो ये कि किस उम्र के लोग इसमें ज्यादा हैं। सेबी की रिपोर्ट इसका भी खुलासा करती है। FY22 में 30 से 40 की उम्र वाले फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स की संख्या सबसे ज्यादा दर्ज की गई। कुल FNO ट्रेडर्स में इनकी हिस्सेदारी 39% रही। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यूं ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है, लेकिन इन डराने वाले आंकड़ों के बाद अगर आप FNO में ट्रेड करते हैं या ट्रेड करने की सोच रहे हैं तो जरा संभल कर, क्योंकि बड़े धोखे हैं इस राह में।